आपको स्वैग से करेंगे सबका स्वागत करेंगे सबका स्वागत। अरे वाह सेंटर लाइन चॉकलेट्स क्या बात है। स्टॉक खत्म हो गए स्वैग से स्वागत। थैंक यू सेंटा मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस। देखिए वीकेंड है जो भी करना है करिए किताब पढ़िए पिक्चर देखिए सब कुछ करिए लेकिन पार्टी हार्ड एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव संता डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मैं तो पानी पीता हूँ खाली। ओके देन ड्रिंक वाटर। ओके लेकिन मेरी क्रिसमस देन यू ड्रिंक एंड ड्राइव फॉर एवरीवन देन यू ड्राइव। लेकिन हाँ ये भी आइडिया अच्छा है लेकिन आज के शो का स्वैग से करेंगे सबका स्वागत ये है इस वीकेंड की सबसे बड़ी थीम। जी हाँ टाइगर जिंदा है और टाइगर जिंदा है यानी ये सबसे बढ़िया कौन बता सकता है कविता जी आपके अलावा बताने की जरूरत है भाई है तो टाइगर जिंदा होगा। ओके एक मिनट एक मिनट एक मिनट आज कविता जी ने नेशनल टेलीविजन के पर कह दिया है कि भाई है सलमान खान का भाई है। ओके अब आप मैंने कुछ वो नहीं था मैंने जो सुना वही कहा है कहा तो ये गया है मतलब ये मीडिया का काम है तथ्यों को अपने हिसाब से रखना। बताइए वीकेंड में आपको करना क्या है क्रिसमस पार्टी से पहले या उस दौरान भी आप देख सकते हैं टाइगर जिंदा है। कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं बिकॉज सलमान खान की फिल्म है होती और है आप हाँ कहानी होती है सलमान खान में इस तरह की फिल्में कहानी होती है और अब की बार तो कहानी के साथ धासु एक्शन भी है जिसके लिए फिल्म जानी जा रही है। इंटरनेशनल लेवल के हॉलीवुड लेवल के एक्शन किए हुए हैं और स्वैग से स्वागत जो गाना है ना सच में वो एक पार्टी सॉन्ग तो बन ही गया है लेकिन उसके अलावा आपको कुर्सी से उठने नहीं देगा। न सिर्फ ये गाना खूबसूरती से फिल्माया गया है बल्कि जो बीट्स है इस गाने की 31st की अगर आप पार्टी प्लान कर रहे हैं तो ये गाना तो बिल्कुल मस्त है ही हर हाल में। तो स्वैग से कीजिए न्यू ईयर का स्वागत और साथ ही क्रिसमस का भी स्वागत। इस न्यू ईयर पे मतलब सबसे ज्यादा अगर पार्टीज में कोई सॉन्ग बजेगा तो यही बजेगा बिल्कुल टाइमिंग माननी पड़ेगी यहाँ पर भाई। अच्छा मतलब कुछ सोचना समझना स्टोरी वगैरह ये के बारे में जाके देख लेंगे बिल्कुल जाके देखिए आप क्या सोचना है बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। ऐसे डाई हार्ड फैन हो सलमान खान के तो 200-300 मैं देख सकता हूँ। मैं जाता नहीं हूँ आमतौर पर फिल्में देखने मुझे क्योंकि अब मैंने इधर पहले जाता था अब मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते में फिल्म टीवी पे आ जाती है घर बैठे देखने को मिलती है। आप मारवाड़ी तो नहीं है बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं है लेकिन मारवाड़ियों के साथ बहुत साल बिताए 12 साल से तो मैं भी साथ में हूं क्योंकि सलमान खान की फिल्म है तो इस वीकेंड हो सकता है प्राइसेस भी थोड़े से ज्यादा हो कीमत ज्यादा हो तो आप इंतजार कर सकते हैं लेकिन अगर मस्ती करनी है लॉन्ग वीकेंड भी है तो बुरा ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल देखनी चाहिए ये फिल्म। तो यही मूवी है या और भी कोई भाई के सामने कौन उतरेगा सही बोल रहे हैं बिल्कुल मैदान खाली है पूरा बिल्कुल मैदान खाली ये है। फिल्म रिलीज हो पाएगी इस पे तो कुछ बवाल चल रहा है नहीं बिल्कुल रिलीज होगी हो चुकी है आज बहुत लोग देख कर भी आ चुके हैं 500 करोड़ उसके ऊपर का आंकड़ा है आपकी बार क्या बात कर रहे हैं मैंने तो मजाक में लिस्ट में तो भाई आ ही चुके हैं रिचेस्ट सेलिब्रिटी। हम चाहते हैं कि आपको वो लिस्ट भी दिखाई जाए जहां पर सलमान खान टॉप में है 232 करोड़ रुपए की कमाई के साथ फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 पर सलमान खान। तो फोर्ब्स की लिस्ट में नाम आना ही अपने आप में बड़ी इज्जत की बात है और उसको टॉप करें स्वैग से किया है स्वैग से एकदम भाई लगातार दूसरे साल नंबर 1 विराट कोहली तीसरे नंबर पे है लेकिन अगले साल जब फोर्ब्स की लिस्ट बनेगी आलोक जी आपसे सवाल है मेरा तो क्या इसमें अनुष्का शर्मा की आय भी शामिल होकर आएगी अलग अलग मानी जाएगी ये कहानी देखिए अनिल जी ये इसमें एक सीरियस बात है मेरे लिए क्योंकि ये अभी तक मैं और इस बात को मैं बार बार 50 बार कहता हूँ वित्त मंत्री से भी कह चुका हूँ एक बार कि ये हस्बैंड वाइफ की इनकम क्लब करने वाली कहानी खत्म होनी चाहिए। और दरअसल हमारे जैसे जो हमारी वाइफ कोई नौकरी नहीं करती है बिजनेस नहीं करती है तो हमारी इनकम तो आधी बांटी जानी चाहिए और हमारी इनकम का आधा हमारी वाइफ के उसको हमारी वाइफ के इनकम को माना जाना चाहिए हाउस वाइफ के काम को होम मेकर के काम को इज्जत दी जानी चाहिए। जो कोई कमाने वाली महिला है उसके साथ तो तुरंत जुड़ता है अच्छा वो कमा रही है मेरा भी 50% टैक्स बचेगा वही जो नहीं आप सोचिए आपका घर बार जो आप कमा रहे हैं जितना समय आप दफ्तर में देते हैं ये आप दे पाते अगर आपकी वाइफ आपके कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही होती। ईमानदारी से बताऊं जितना समय सर मैं दफ्तर में दे रहा हूँ ना
मेरी वाइफ उससे ज्यादा काम करती है, मैं यही कह रहा हूँ। तो एक्चुअली उस पर टैक्स ज्यादा लगना चाहिए बजाय मुझे, पहले वो कमाई का हिस्सा उधर जाएगा तब टैक्स लगेगा। नहीं, ये पॉइंट बहुत सही रहती है, मैं तो मजाक में पूछा था, लेकिन आपने बहुत सीरियसली ये जो पॉइंट रखा है ये वाकई में सोचने लायक बात है। बिल्कुल हाँ, हाउस वाइफ मतलब क्या काम नहीं कर रही है, और अगर हस्बैंड को काम करना है, होम मेकर, वही एक ही बात है। हाँ, तो ये बात सही है, चलिए आधी आधी कर दीजिए सैलरी। हाँ। और टैक्स भी आधा हो जाए, आधी सैलरी कर दीजिए इनकी, अपने आप हो जाएगा। बुक आपके पास, लेकिन बाकी आधी वहां जानी पड़ेगी ना। बुक बड़ी बड़ी है आपके पास। एक तो अनिल जी मुझे गिफ्ट मिली है अभी, सीक्रेट सेंटर में, आपको आपके लिए गिफ्ट ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन बहुत अच्छी किताब है अभी जितना मैंने देखा उससे बता रहा हूँ। रोग एलिफेंट, आप इसको पागल हाथी कह सकते हैं, मस्त हाथी कह सकते हैं। इंडिया को हाथी से सिंबलाइज किया जाता है, और साइमन डेनियर एक पत्रकार हैं रॉयटर्स के, दुनिया के लगभग हर हिस्से में उन्होंने काम किया है, सारे बड़े इवेंट्स जो हमको अभी याद आते हैं उन्होंने कवर किए हैं। इंडिया में ब्यूरो चीफ रहे 2 बार। ओके, तो इन्होंने लिखा है कि कैसे हिंदुस्तान, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत ताज़ा इसमें जो चैप्टर्स मैंने अभी देखे हैं, मैं आपको 2-3 चैप्टर्स के नाम बताता हूँ, उससे ही आपको समझ में आएगा। मैन आउट ऑफ टाइम, ओके, एंड इधर आए देखिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एक है द 24 आवर न्यूज टेलीविजन हेल्प्स अवेकन अ नेशन, ओके, कि कैसे 24 घंटे के चैनलों ने इस देश को बदल दिया। ठीक है, ये हमें भी पढ़नी चाहिए। व्हाट इज द टॉपिक कॉल्ड, सम हसलर, हेडलाइन हसलर, तो ये पढ़ना चाहिए हमें भी। Is there something I need to know? मुझे लगता है पढ़ने चाहिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी हुई, एक बाहर के आदमी की लिखी हुई है जिसमें आप एंगल देखना मुश्किल होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कैसे हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको आप कैसे, इसके अंदर जो ताकत छिपी हुई है उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ये इंडिया सेंट्रिक बुक है, इंडिया पर है। अच्छा, इंडिया पर ही है, की डेमोक्रेसी पर किताब है। हाल के बहुत सारे वाकई इसमें है। और दूसरी किताब जो मैं ओरिजिनली लाया था, जो कि बहुत ही आपको पता है मैं पाकिस्तान पे बहुत मेरा दिल लगता है, पाकिस्तान को पढ़ने, बात करें सर, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको। हाँ, बिल्कुल बड़ा बड़ा स्टेटमेंट, नहीं नहीं बड़ा स्टेटमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, वजह बचपन से मैं ये सोचता हूँ, मेरे मन में ये बात बार बार आती है कि हम लाहौर क्यों नहीं जा सकते, हम कराची क्यों नहीं जा सकते हैं, हम मोहनजोदड़ो देख, अगर 2 जर्मनी एक हो सकते हैं तो हमें यहाँ वो, तो और पड़ोसी, आप सोचिए आपके आपके पड़ोस में 2-3 तरफ ऐसे घर हों जिनमें एक में आग लगी हुई हो, एक में बीमारी फैली हुई हो, आप वहां रह पाएंगे क्या? तो हमें इस देश के तौर पे भी ये सोचना चाहिए। तो ये TCA राघवन साहब हैं, ये डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेट हैं, और ये पाकिस्तान में 2 बड़े टेन्योर इन्होंने किए हैं, फिर फॉरेन मिनिस्ट्री में पाकिस्तान डेस्क पे रहे हैं। ये किताब है द पीपल नेक्स्ट डोर, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद पाकिस्तान, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। इनका कहना है कि एक बड़ी लंबी कहानी है, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतने पेंच हैं, इसके छोटे छोटी चीज पर बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिए मैं वो उन गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ। मैं ऐसे किताब लिख रहा हूँ दोनों तरफ के व्यू पॉइंट्स लेकर, और जिनमें मैं बहुत बारीक चीज़ों को छोड़ देता हूँ, उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसके डिटेल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ और पढ़िए। लेकिन तो एक तरह से एक प्राइमर है, न्यू कमर्स गाइड है इंडो पाकिस्तान रिलेशंस पे। ओके, बहुत ही एंगेजिंग तरीके से लिखा गया है। इनका कहना है मैंने बहुत न्यूट्रल रहने की कोशिश की है, लेकिन ये आपको मानना चाहिए कि आखिर में उसमें एक इंडियन एंगल है। एक बात मैं इसमें जोड़ दूं, अभी मैं बहरीन में शो करके आया था पहला सोदा, और वो शो में मेरे साथ लेकिन हाँ उसमें मेरे साथ 2 गेस्ट थे, एक थे नवनीत मुनोत और दूसरे थे शंकर शर्मा, और इंसिडेंटली दोनों ही लाहौर होकर आए थे। नवनीत जी कुछ वक्त पहले गए थे, वो अमन की आशा जो चल रही थी उसमें, और शंकर शर्मा अभी कुछ ही दिन पहले 20 दिन लाहौर होकर आए, और दोनों का एक व्यू था लाहौर को लेकर, जो हॉस्पिटलिटी उन्हें वहाँ मिली, जो लोगों ने आव भगत की मेहमान मानकर, और जैसे उन्हें लगता है कि कोई हिंदुस्तान से आया, बोले कि ये सब जो यहाँ हम देखते हैं सुनते हैं वैसा वहाँ नहीं है आम लोगों के बीच में। तो जो कुछ है वो सारी ये मस्ती जो है ना, मस्ती में वो शब्द का इस्तेमाल, ये सब नेताओं के बीच में है, वही है। मैंने क्योंकि काम किया है, मैंने एक छत के नीचे पाकिस्तानियों के साथ बहुत काम किया है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और आप विदेश जाके कहीं भी जब थर्ड कंट्री में होते हैं तो वहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक से होते हैं। ओके,
कविता जी एक अच्छी पिक्चर भी आई थी जिन लाहौर नहीं देखी बिल्कुल बहुत ही पुरानी कहावत है जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्म आई नहीं। अगर आपने लाहौर नहीं देखा तो आपका जन्म हुआ नहीं। चलिए तो ये बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, बिल्कुल दो बेहतरीन बुक्स, लेकिन इसके अलावा भी इस वीकेंड पे काफी कुछ है करने के लिए, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे लिए तो बहुत कुछ है, छोटे से ब्रेक के बाद बताऊँ। तो एक लंबी वीकेंड और क्रिसमस वीकेंड तो स्पेशल होती ही है, हमने आपको बता दिया। आप कविता के भाई की मूवी देख लीजिएगा। और फिर किताबें भी है, लेकिन क्रिकेट का भी तो मजा है। कविता किसी को बताना नहीं चाहती है कि वो इसको। हाँ, तो अनुष्का के देवर जो है रोहित शर्मा, वो परफॉर्म करेंगे संडे को। रणवीर सिंह अभी भी है मेरे रडार पे, वो संडे को परफॉर्म करेंगे वानखेड़े में, मुंबई में है। बट वो मैच तो देखना ही चाहिए 2020। अनफॉर्चुनेटली मैं रिसेप्शन कब है उनका बॉम्बे वाला, बता नहीं सकता। वानखेड़े में हमारा पूरा सपोर्ट है, चिंता मत कीजिए। और क्रिसमस ईव के दिन, हाँ बिल्कुल। और धोनी तो ही मैं एक्चुअली मैं इस वीकेंड में मेरे दोस्तों के लिए ट्रीट दे रहा हूँ, संडे को पार्टी है और वो मैंने पहले फिर गलत कर दिया तो बता के। लेकिन आई जाइए कविता जी, आप सब लोग बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन हाँ, नहीं तो आप अनिल जी वेन्यू बता दीजिए, बहुत सारे दोस्त उधर भी हैं। वेन्यू बताते हैं, NIA ऑडिटोरियम कंवर नगर, वो जयपुर में हवा महल के पास है। लेकिन वो दूसरा प्रोग्राम है, मेरी पार्टी नहीं है। पहला कदम है कल सुबह 10:30 बजे पहला कदम में आ जाइए। अगर आप जयपुर में हैं, जयपुर के आसपास हैं और आप आना चाहें तो कल सुबह पहला कदम सीधे आ जाइए। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कोई बात नहीं, मेरा नाम ले लीजिएगा गेट पर। और बिल्कुल कल हम वहाँ एक शो करने वाले हैं जयपुर में, तो जयपुर के आसपास के लोग जरूर 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 आ सकते हैं और उसी को पार्टी समझ लीजिए। हाँ, पार्टी हो जाए, हम आपके वापस आने का इंतजार करेंगे। लेकिन हर्ष साहब, इवेंट्स, अच्छा क्रिसमस तो प्लान करना है ना, तो एक इवेंट हो रहा है लवासा में, लेक साइड क्रिसमस। थोड़ी सी महंगी है फीस, 3,500 पर पर्सन, लेकिन आपके लिए क्या महंगी है, आप इतने बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं। महंगा है नहीं, मैं आप लोगों के बारे में बात कर रही हूं। हमारे कितना ध्यान है, आप टिकट स्पॉन्सर कर दीजिए। साइड पर थोड़ी सा माहौल अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा, हम भी ले चलोगे तो टिकट स्पॉन्सर कर दीजिए, अपने को खर्चा नहीं करना है। और जिंजर, ठीक है डन। और जिंजर ब्रेड खाइएगा, मैव्स बेकरी एक बहुत मशहूर जिंजर ब्रेड इज अ वेरी फेमस थिंग क्रिसमस में। मैव्स बेकरी बांद्रा में एक जगह है जहाँ पर मशहूर मिलती है। और एक खासियत रहती है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, स्पेशली जहाँ पे कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है, वो स्पेसिफिक क्रिसमस डिनर सर्व करते हैं। तो प्लीज जाइए और वो एंजॉय कीजिए। वेजिटेरियन में जिंजर ब्रेड के हाउसेस भी तो बनते हैं, जिंजर ब्रेड हाउसेस, जिंजर ब्रेड कुकीज, द मैन, सब कुछ। नहीं तो मुझे पूछना तक कहीं एकदम प्योर वेज बढ़िया क्रिसमस फूड कहाँ मिलता है वो मैं खाना चाहता हूँ आपके घर पे। बिल्कुल, हम तो आ रहे हैं 24 तारीख ना, संडे को। ओके, ऑल आर मोस्ट वेलकम, प्लीज आइए, प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी खाना खाने के लिए। क्रिसमस वाला होगा या अलग तरह का मारवाड़ी फूड होगा ये तो मैं नहीं कह, पानी के साथ ड्रिंक एंड ड्राइव भी। और इस डिनर डेट के बाद आप ड्राइव भी कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और जिस किसी को भी लगे कि उनको जरूरत है सेफ पहुंचने की, तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों को पार्टी के बाद पहुंचा दूंगा। बट फिलहाल चलिए, वीकेंड मस्ती खत्म नहीं कर रहे हैं, बस इस शो के बाद शुरू कर रहे हैं। तो आप भी जाइए, मस्ती शुरू कीजिए, हम भी करते हैं। हैव अ नाइस वीकेंड और आप सबको मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। अभी से छुट्टी पे तो नहीं जा रहे हम लोग, बहुत से लोग जा रहे होंगे, रिवायत है, रिवायत है, दोनों बधाई एक साथ साथ साथ। ओके भाई, दोनों साथ में। ओके।